अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं स्विंग से रिलेटेड आपको कुछ टिप्स दूंगी और अपनी ज़रूरत में जो जो चीज़ें मैं इस्तेमाल करती हूँ वो मैं बताऊंगी। इस वीडियो में कुछ चीज़ें ही आपको मैं बताऊंगी, फिर इसके स्टेप बाय स्टेप जैक मशीन के साथ कौन कौन से फुट इस्तेमाल किए जाते हैं, गैदरिंग के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, पाइपिंग के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, जिप के लिए किए जाते हैं, उसका मैं साथ साथ रिव्यू देती जाऊँगी। सबसे पहले मैं आपको ये पिन होल्डर से करूँगी। अगर किसी ने बनवाना हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं बनाना सिखा दूँगी। ये क्रोशिया का है। और सेकंड व्यूअर्स, ये है जब इस्त्री बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है, कपड़े को छूने से हाथ जलता है, तो ये उसका नम वगैरह जो होता है लकड़ी उसको अब्जॉर्व कर लेती है और इजीली वो इस तरह से फ्लैट हो जाता है जब हम प्रेस करते हैं। और तीसरी जो है व्यूअर्स वो ये है फुसिंग फैब्रिक टेप जो है, जो हम फोल्डिंग के लिए चाकू में फोल्ड करने के लिए इस तरह प्रेस के साथ पहले इसको इस तरह चिपकाएंगे, फिर इसके बाद इसके ऊपर प्रेस करेंगे तो ये फिनिशिंग बहुत नीटनेस से आएगी। जैसे ही प्रेस करके इसको लगा लेंगे, ऊपर से आप सिलाई कर लें तो ये बिल्कुल नीट और इक्वल आएगा। और फर्स्ट वाला जो सीम गाइड है, मैजिक सीम गाइड, जिससे हम सिलाई को इक्वल कर सके, प्लेटें डाल सके, छोटा बड़ा छोटा करना चाहें इस तरह से, इसके अकॉर्डिंग इसको पीछे करते जाएँ। इसके नीचे इस तरह का मैग्नेट लगा हुआ है जिसे हम बैक का नेक के ऊपर पाइपिंग लगाना चाहें, पाइपिंग जितनी चौड़ी मोटी करना चाहें, जितना चौड़ा ये फोल्ड करना चाहें, इसको इस तरह से पीछे आगे आप लोग कर सकते हैं। इस पर कुछ मैं सिलाइयां करके आपको दिखा दूंगी। ये बिल्कुल इसके साथ ही रखना होता है। अगर इसको उठाना होगा तो इसके इस साइड से इसको उठाना होगा, वरना इस तरह से ये नहीं उठेगा क्योंकि ये मैग्नेट है, साथ में ये चिपका हुआ है। तो इसके ऊपर कुछ टिप्स मैं आपको दूंगी आज। ये व्यूअर्स इस तरह मोड़ देना है, ना कम होगा ना ज़्यादा होगा, इसके साथ ये इक्वल जाएगा। अभी बस मैं थ्रेड कलरफुल कर रही हूँ कि आप लोगों को दिखे। ये व्यूअर्स इस तरह से ये बिल्कुल इक्वल आया है। अब जितना आप इसको बड़ा फोल्ड करना चाहते हैं तो इसको इस तरह से कर लें। अगर ज्यादा बीच में एक फुट का गैप देना चाहते हैं तो इसको इस तरह से रखें और इसको मोड़े, जितना चौड़ा आप फोल्ड करना चाहेंगे तो ये इक्वल फोल्ड होगा। और अब इस तरह से रिवर्स इसको इक्वल रखना है। ये रिवर्स इस तरह इलास्टिक रख के, मैंने दो सीम गाइड रखी हुई है, इस तरह से इसको बराबर रखें, जितना इलास्टिक का साइज होगा उतना ही इसको रख देना है और जितना आप फैब्रिक में चाहें चूना डाल सकते हैं। ये इस तरह से ये व्यूअर्स इस तरह से खींच कर लगाएंगे और ये बिल्कुल इक्वल आएगा इस तरह से। इसके जरिए चुनट भी डाल सकते हैं, चौड़ा इलास्टिक भी लगा सकते हैं, बारीक भी लगा सकते हैं इस गाइड के साथ। ये देखिए इस तरह से बिल्कुल इक्वल आएगा ये इस तरह से। और पाइपिंग फोल्ड करने के लिए इसके ऊपर भी लगा सकते हैं। अब इसको मैं हटा देती हूँ। जितनी हमें चौड़ी डोरी फोल्ड करनी होती है ये रिवर्स इस तरह। अब मैं आपको चौड़ा फोल्ड करके बताती हूँ, जो बचे कुचे कपड़े होते हैं उसी के ऊपर करके दिखाती हूँ। ये इस तरह से बिल्कुल इक्वल जाएगा, ये इस तरह से। ये रिवर्स ये यहाँ तक आज की वीडियो मेरी कंप्लीट हुई। आई होप आप लोगों को पसंद आई हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।